कई बार ऐसा होता है कि कोई फोटो या वीडियो हम बहुत ही मेहनत से शूट करते हैं और जो है डिलीट होके उड़ जाता है, तो हम बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। और वो ये स्वाभाविक बात है, आना भी चाहिए, क्योंकि फोटो और वीडियो जो है बार बार शूट नहीं होता है। अगर कोई फंक्शन का हो, कोई शादी का हो, आपको जो है ये पता होना ही चाहिए कि किस तरीके से अगर आपका कोई फोटो या वीडियो, कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट आपका जो है डिलीट हो जाकर उड़ जाता है, तो उसको आप कैसे रिकवरी करेंगे, उसको कैसे आप वापस लाएंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपका कोई फोटो वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल जो है अगर उड़ चुका है तो आपको कैसे वापस लाना है, उसको कैसे रिकवरी करना है, ये भैया आपको तो पता होना ही चाहिए। अगर इस सिचुएशन में आप दुकान वाले के पास जाइएगा तो वहाँ पर जो है आपको अच्छी खासी रुपीज़ का चार्ज कर देगा और वो पैसा आपको देना पड़ जाएगा। तो मैं आपको ये तरीका बताऊँगा कि किस तरीके से आप घर बैठे अगर आपका कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका जो इम्पोर्टेंट है वो उड़ चुका है तो उसको कैसे आप रिकवरी करेंगे। आपको इधर उधर भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको आप बहुत ही आसानी से घर बैठे उसको आप रिकवरी कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो उसको आप कैसे वापस लाएंगे, ये देखने के लिए भैया ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे कि किस तरीके से कोई फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट या कोई आपका फाइल उड़ चुका है तो उसको आप कैसे रिकवरी करके वापस ला सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन की जगह जैसे मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर टाइपिंग करना है फ्रेंड वंडर शेयर, जैसे यहाँ पर लिख रखा है वंडर शेयर रिकवरी, तो फ्रेंड यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है वंडर शेयर रिकवरी, तो आपको इस तरह देखने को मिलेंगी। आपको इस वाला आइकन पर ओके कीजिएगा, देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ पर फ्रेंड क्या कीजिएगा, इसको फ्री वाले ऑप्शन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ फ्रेंड देखिएगा नीचे ये डाउनलोड वाला ऑप्शन हो गया, डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है। तो इसको फ्रेंड में डाउनलोड में जाके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसको फ्रेंड क्या करना है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड कि ये इंस्टॉल हो रहा है ना। तो इंस्टॉल हो के कुछ इस तरह से आपको आइकन देखने को मिलेंगे। ये फ्रेंड इंस्टॉल हो चुका है, मैं यहाँ पे स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। दो बार क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आइकन खुल के आएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो भी फाइल में से डेस्कटॉप पे जो भी फाइल में से आपका जो भी पिक्चर हो, ऑडियो वीडियो जो भी हो या फाइल हो या कोई भी इमेज हो, लोगो हो, जो भी आपको डिलीट हुआ हो उस फोल्डर को जैसे इसे सिलेक्ट कर लीजिए। आप जैसे ई ड्राइव में हो, जैसे आपका एफ ड्राइव में हो या लोकल डिस्क में हो या सी ड्राइव में हो, इसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा या सेलेक्ट फोल्डर पर इसे सेलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पर आपका देखिए डेस्कटॉप लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, जहाँ भी आपका फोल्डर जहाँ से भी डिलीट हुआ है उस फोल्डर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे फोल्डर एफ फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं यह और फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद फ्रेंड आप देखिएगा ये कि ये स्कैनिंग होकर कुछ इस तरह से ये स्टार्ट हो चुका है। देख रहे यहाँ पे मेरा ये स्कैनिंग होना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ 1% स्कैनिंग होना स्टार्ट किया, 8% हो चुका है। और ये स्कैन होकर फ्रेंड यहाँ पर मेरा जो भी आइटम है करने लगेगा कि मेरा आइटम कितना मतलब एक देखिए फ्रेंड कि मेरा ये फोल्डर में ऑल फोल्डर में से मैं जो इसको रिकवरी किया हो, तो ये फ्रेंड आप देख सकते हो कि इस 20 GB का मैं रिकवरी कर चुका हूँ अब तक। तो अगर आप यहाँ पर ऑल फोल्डर में जाइएगा यहाँ और इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है कि रुक देना है ना, स्टॉप स्कैनिंग के बाद वेट कर दीजिएगा। इसके बाद फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड आपको कहाँ से ये फाइल में से जो आपको कहाँ से उड़ा है वहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ्रॉम फोल्डर है या कोई और जैसे भी आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है तो आप इसे मैं फ्रॉम फोल्डर को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप किसी कि जितना भी फोल्डर है सब फोल्डर को आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं या सब को फोल्डर पर आप अनमार्क कर सकते हैं। तो मैं एक फोल्डर को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ।
ओपन करने के बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। ये फ्रेंड आपको क्या है, ये आप चाहे तो इसको परचेज करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या फ्री में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्री में कैसे करेंगे इसको हम आपको बता रहा हूँ, थोड़ा वेट कर लीजिए कि अभी में स्टार्ट हो रहा है। हुआ डिलीट हुआ हुआ जो फोटो है, इमेज है, वीडियो है, उसको कोई ये रिकवरी कर रहा है। देखिएगा फ्रेंड ये कुछ इस तरह से आ गया। अगर आपको इसको सेव करना है तो रिकवरी को क्लिक कीजिएगा। यहाँ बाय का ऑप्शन है, अगर बाय करना है तो आप यहाँ पर बाय करके अन्यथा इसको अब क्या कीजिएगा कि इसको पर भी ओपन कर लीजिएगा। पर भी ओपन करने के बाद इसको ये खुल जाएगा। यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा स्नैप टू, ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद फ्रेंड इसको ओके कीजिएगा। तो ओपन करने के बाद फ्रेंड आपको खुल कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे कि आपको क्या करना है कि अगर आपको इसको सेव करना है फ्री में तो आपको क्या कीजिए, न्यू पे जाइएगा। न्यू पे जाने के बाद क्या करना है, जहाँ से आपको इसको सेव करना है इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा और इसको ऐसे स्क्रॉल करके नीचे लाइएगा और इसको क्या करना है इसे सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद यहाँ सेव हो जाएगा, छोड़ दिएगा तो ये फाइल पर जाइएगा। फाइल जाने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, सेव एस पर क्लिक कर देना है। सेव एस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आइकन देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों को लोकेशन बता रहा है कि आपको कहाँ पर सेव करना है। जैसे हमको यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव करना है तो मैं यहाँ इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। यहाँ फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ, जो भी आपको फोल्डर का जो भी नाम रखना है तो यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरा डेस्कटॉप पे आ चुका है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड मेरा ये डेस्कटॉप पे आ गया है ओपन होके, है ना। तो आप भी इसी तरह बहुत ही आसानी से डिलीट हुआ फाइल कहीं से भी कहीं भी फोल्डर में हो, जैसे पेन ड्राइव से उड़ा हो, मेमोरी कार्ड से उड़ा हो, या क्या बोल हार्ड डिस्क से उड़ा हो, मोबाइल से उड़ा हो, लैपटॉप से उड़ा हो, रिसाइकिल बिन से उड़ा, कोई भी फोल्डर से उड़ा हो फ्रेंड, आप बहुत ही आसानी से इस फाइल को रिकवरी कर सकते हैं। सो गाइस अब तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट फोटो, वीडियो, कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट जो है डिलीट होकर उड़ जाता है तो उसको आप कैसे रिकवरी करके वापस ला सकते हैं। आपको परेशानी होने का या टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो देखने के बाद अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।